हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बात करूंगी जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। जी हाँ, पबजी में हुआ प्यार और आई सीमा सरहद पार। सीमा और सचिन, ये दोनों ही नाम बहुत वायरल है इंडिया और पाकिस्तान में। सीमा और सचिन की जो बातचीत है वो पबजी के थ्रू होती है, पबजी खेलते खेलते होती है। पहली जो मुलाकात है इन दोनों की वो नेपाल में होती है। फिर पशुपति टेम्पल में ये दोनों शादी कर लेते हैं। सीमा वापस चली जाती है पाकिस्तान, फिर सचिन वापस भारत लौटते हैं। फिर उसके बाद सीमा अपने चार बच्चों को लेकर इलीगल तरीके से सीमा जो है वो नेपाल के रास्ते इंडिया में एंटर करती है। अब सीमा जो है वो भारत आ जाती है, हिंदू धर्म अपना लेती है। ये साजिश है या फिर कुछ और है इसके पीछे, अभी इसका खुलना बाकी है। सीमा और सचिन की स्टोरी में टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है, जब वो लॉयर के पास जाते हैं। अब लॉयर के पास जाते हैं अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाने के लिए। देन जब लॉयर सीमा के जो डॉक्यूमेंट्स देखता है, वो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं। फिर उनका शक बढ़ जाता है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर सीमा और सचिन को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर ले जाती है। अब पुलिस जो है वो सीमा हैदर की तलाशी करती है, छानबीन स्टार्ट करती है। तो पुलिस को ऐसा शक है कि कहीं सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान की कोई स्पाई या आईएसआई की कोई एजेंट तो नहीं, जो भारत में किसी साजिश या प्लान से आई हो। क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है जिसमें सोशल मीडिया के थ्रू हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश बहुत बार इंडिया में हो चुकी है। अभी रिसेंटली डीआरडीओ के ऑफिसर को हनी ट्रैप में फंसाया गया, किसी स्पाई ने उन्हें फंसाया था। सीमा का कहना है कि वो वापस पाकिस्तान नहीं लौटना चाहती, वो भारत में हिंदू धर्म अपना चुकी है, हिंदू कल्चर अपना चुकी है। लेकिन पाकिस्तान से टेररिस्ट की जो वीडियोस आती है, अगर सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं लौटी तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाएगा। सोर्सेज के थ्रू ये पता लगा है कि सीमा हैदर ने और भी लड़कों से बात की है जो पबजी खेलते हैं और जो दिल्ली एनसीआर के नज़दीक रहते हैं। सचिन भी हैं जो वो दिल्ली एनसीआर के नज़दीक ही रहते हैं, आसपास रहते हैं। और दिल्ली एनसीआर के नज़दीक हमारे काफ़ी ऑफिसेज हैं, लाइक पार्लियामेंट ऑफिस है और पीएमओ ऑफिस है। सो इन सब चीज़ों से सीमा हैदर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक बनता है। आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर सच में इनोसेंट है या फिर कोई साजिश है इसके पीछे, या वो स्पाई है या फिर आईएसआई की कोई एजेंट है? अगर आपको क्या लगता है इसके बारे में, अपनी कमेंट में राय ज़रूर भेजें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।